क्या हाल चाल है आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोग को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, लाई आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मैं बना रही हूँ आज बैंगन का रायता। तो मैंने ये एक पाव बैंगन लिए हैं गोल वाले, ये एक पाव बैंगन लिया। अभी मैं इनको काटती हूँ, उसको शुरू करते हैं, ठीक है? चलें, ये मैंने बैंगन काट लिया। एक बैंगन तो सही निकला, एक बैंगन में थोड़े बीज हैं, लेकिन चलो अब अंदर का हाल तो अल्लाह ही जानता है। अब इस पर मैं लगाऊंगी थोड़ा नमक, हाफ टी स्पून के करीब इसके ऊपर हम लोग नमक लगा देंगे थोड़ा। इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम लोग जो नमक डालने में लगा दूंगी। मैंने नमक लगा दिया इन पर। अभी मैं ऑयल डाल रही हूँ फ्राई पैन में, और ना इसमें इसको इनको फ्राई करते हैं। बस हल्का सा ही डालना है ऑयल। अभी हम लोग इसमें डालेंगे ये बैंगन। इनको फ्राई करेंगे हम लोग। इनको हम हो गया होंगे एक साइड से लाल, देखते हैं। देखें हमारे एक साइड से लाल हो गए, और दूसरी साइड से करेंगे इनको फ्राई। दूसरी साइड से भी हो गए, अब मैं इनको निकाल देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा लाल हो जाएंगे। ये देखें हमारे फ्राई हो गए सारे बैंगन, सारे बैंगन फ्राई कर लेंगे। सारे बैंगन फ्राई हो गए हमारे, अभी इसका मसाला तैयार करेंगे हम लोग। इसके अंदर मैंने तकरीबन एक खाने का चम्मच जितना ऑयल डाल दिया है, ठीक है? अब इसमें हम लोग डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लहसुन एक वन टीस्पून मैंने लहसुन डाला है, और एक हरी मेरे जो लाल वाली हो जाती है ना, तो ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब इसको हम लोग इसमें कर लेंगे फ्राई बिल्कुल हल्के तेल में, क्योंकि फिर बघार में भी जाएगा। लहसुन हमारा देखें फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये मसाले। मैं ये मसाले के हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें हैं क्रश, हाफ टी स्पून रेगुलर जो लाल मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो हैं, वन टी स्पून भर के धनिया पाउडर है, वन टी स्पून चाट मसाला है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला है, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर है, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर है, और ये लाल मिर्चें कलर वाली लाल मिर्चों का पाउडर है। ये हम लोग सारे मसाले इसमें डाल देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा पानी, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। ये हम लोग मसाला अब इसको भूनेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, इसको थोड़ा भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए अच्छे तरीके से। हमारा मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। अब इसको हम लोग चूल्हा बंद करते हैं इसका। मैंने इसे लगा दिए, अब मैं इसके ऊपर दही डालूंगी, थोड़ा थोड़ा सा पहले डालूंगी दही। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये मसाला। चलिए ये भी मैं इस पर डालूंगी ये मसाला जो हम लोगों ने बनाया। इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही मसाले की। पर मैं फिर थोड़ा सा दही डालूंगी।
इसकी लेयर लगाएंगे। फिर ये मसाला डालेंगे। बहुत मज़े का बनता है ये बनाइए, एक तो ताकत वाला है, आयरन होता है बैंगनों में, ऊपर से चटपटा है। चलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं इसके ऊपर। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच जितना ऑयल डाल दिया, ये बकार लगाएंगे इसका। मैं 2 अब इसमें मैं और चीज़ें डालती हूँ। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून जीरा, लाल मिर्चें डाल के लिए। इसमें मैं डालूँगी ये कड़ी पत्ता, ऊपर डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। इसके ऊपर डालेंगे लौंग, ये मिर्चें, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। चलें भाई, हमारे भगारे बैंगन तैयार हो गए हैं। भगारे बैंगन का रायता, ये भगार वाला रायता है। आप लोग मेरी वीडियो को ना पूरा देखा करें, बहुत ज़्यादा काट काट के देखते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा काट काट के देखते हैं आप लोग। फिर फ़ायदा कुछ नहीं ना, अगर आप लोग 30 सेकंड की या 1 मिनट की देखते हैं तो मेरी भी तो इतनी मेहनत होती है ना, थोड़ा सा ये बंदा सोच लेता कि सामने वाले बंदे ने कितनी मेहनत करके ये डाली होगी। पहले बनाना मेहनत, फिर डालना मेहनत। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को ना फुल वॉच किया करें। चलो बंदा इसको 30 सेकंड की काट भी देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा काटना तो नहीं बनता ना आप लोगों के, कि आप लोग बहुत ज़्यादा काट दें मेरी वीडियो को। ये ऑयल ना थोड़ा साइड पे आ गया, मैं ऐसे इस तरह पर डाल देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। जो इतने मिलियन में जिनके हैं वो लोग, उन लोगों को भी तो किसी ने सब्सक्राइब किया है तो आज वो मिलियन में उनके सब्सक्राइबर हैं ना, हम जैसे ही थे जो आगे बढ़े। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो, और ज़रूर थम्प किया करें। थम्प तो कोई करता ही नहीं, हालांकि मैं इतनी मेहनत से डालती हूँ वीडियो, बहुत अच्छी करके डालती हूँ मैं। यानी कि मेरी वीडियो, बहुत से लोग बोलते हैं कि ना अच्छी वीडियो डली होती है, लेकिन आप लोग ना मेरे चैनल को थम्प करते हैं, ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर भी करें सब्सक्राइब भी करें। क्योंकि मुझे तो इतनी ज़्यादा ना फजूल बोलने की आदत नहीं है कि ना मैं फजूल गुफ्तगू करूं, तो मैं बहुत कम बोलती हूं। लेकिन मैं यही बोलती हूं कि ना अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप भी किया करें और शेयर भी करें अपने जानने वालों में। तो चलें, मैं अब इस दुआ के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप लोग को जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे, मेरा दस्तरखान और आप लोगों का दस्तरखान अल्लाह ताला हमेशा भरा रखे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।